देखिए, अक्सर क्या होता है कि भगवान खुद तो अपने रूप में सामने आएगा नहीं, तो वो इंसानों के रूप में सामने आता है, इंसान के फॉर्म में सामने आता है और सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है। जिस पर्सनैलिटी की आज हम बात करेंगे, उन्होंने सोसाइटी को तो अपलिफ्ट किया ही, बल्कि पूरे डायनेमिक्स ही बदल दिए पॉलिटिक्स के। ये इतने गजब के इंसान थे, इतने गजब के इंसान थे कि इन्होंने देश को सबसे ऊपर समझा, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझा, यहां तक कि मां बाप से भी ऊपर इन्होंने अपने देश को बना दिया। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इनकी कंट्री। इन्होंने अपने देश के लिए सिविल सर्विस में टॉप करने के बावजूद भी उसको लात मार दी। उन्होंने कहा कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन ही नहीं करना है, मैं टॉपर हूं। लेकिन उस समय कितनी बड़ी, सिविल सर्विस हमेशा ही से बड़ी बात होती है, अगर आप टॉपर हैं तो और बड़ी बात है। लात मार दी। उन्होंने कहा मुझे अपने देश के लिए सेवा करनी है, मुझे उन गरीबों के लिए सेवा करनी है, मुझे उन गरीबों को उठाना है जो आज दबे कुचले हैं। बहुत महान इंसान, वॉरियर है ये, वॉरियर हमारे सुपर हीरो हैं, अनसंग हीरो। अनसंग हीरो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल सही पहचाना, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो एन इंडियन पिलग्रिम, बेसिकली ये इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी है। तो जितनी भी है मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तीन पार्ट में ये वीडियो आएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तो पूरी ऑटोबायोग्राफी पे ही है, और तीसरा पार्ट जो है वो इनकी बायोग्राफी है, इनकी डेथ तक, 1945 तक। वो मैंने डिफरेंट सोर्सेस से लिया है, खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा रिव्यू, ऑटोबायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पिलग्रिम पार्ट वन, बाय सिद्धांत अग्निहोत्री मेरे द्वारा। देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में। चाइल्डहुड बेसिकली, यस, स्कूल एंड कॉलेजेस, नेताजी एज योगी एंड उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रोल क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री जानेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बहुत ज्यादा, बहुत से सिनारियों देखेंगे, बहुत से केसेस देखेंगे, और ये नेताजी आपको खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके अल्फाज हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा अपनी स्लाइड में फैक्ट डालता हूं, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको नोट कर लें, जैसा भी आपको सही लगे। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था, कटक में जन्म हुआ था जो इस समय उड़ीसा में है, आपको पता होगा। और पेरेंट जानकी नाथ बोस फादर, और प्रभावती देवी मदर, ये सब देख सकते हैं आप। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। सुबह उस समय क्या था, 1800 की अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, गरीबी भारत में बहुत थी, अंग्रेजों ने लूट लिया था भारत को। और देखिए, एक होता है तरीका कि ठीक है, मतलब मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फिर भी होता है ना कि अगर बेईमानी भी चल रही है तो कम से कम कुछ तो लोगों का भला होता है। मतलब ठीक है, पूरी तरह से बेईमान है कोई इंसान, लेकिन फिर भी जैसे आज आप देख सकते हैं, माना कि बहुत गरीबी है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उस समय क्या था, इतनी बुरी, इतना ज्यादा करप्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज्यादा करप्ट थी, इतनी ज्यादा लूट खरोट लूट खसोट चल रही थी कि हर एक इंसान पीड़ित था, हर एक इंसान सफर कर रहा था। और चंद लोग, शायद 1 या 2% उनमें से अमीर थे जो बचे हुए थे, वो भी उसी में शामिल थे। इसमें से कुछ लोग मिडिल क्लास थे, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास थे। सुभाष चंद्र बोस का जो परिवार था, जो उनकी पूरी फैमिली थी, वो मिडिल क्लास थी, वेल टू डू फैमिली से थे, अच्छी खासी रिच नहीं थी लेकिन बहुत पुअर भी नहीं थी, मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर ही थे, अमीर थे। क्योंकि जो उनके पिता थे जानकी नाथ बोस, वो लॉयर थे और ब्रिटिश के फर्म सपोर्टर थे, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करते थे। तो उस समय 1897 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी, पूरा ब्रिटिश का दबदबा जो था वो पूरा कायम हो चुका था, और लग रहा था कि हाँ अब तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, कोई आवाज नहीं उठा रहा था, उस समय हमारे हीरो का जन्म होता है।
एक गजब के इंसान सुभाष चंद्र बोस 1897 में 23 जनवरी को जानकी नाथ बोस के यहाँ जो लॉयर हैं जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस की जो फैमिली थी बहुत बड़ी थी, अच्छे खासे आप देख ही सकते हैं स्लाइड में, काफी चिल्ड्रंस थे अगर देखा जाए तो, टोटल मिला के 14 बच्चे थे। तो सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि क्या हुआ कि इतनी बड़ी फैमिली जब होती है ना तो दो तीन बच्चे जो हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आउट मतलब उनके उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उनके माता पिता ध्यान देते थे लेकिन इतना प्यार नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या हो गया ना कि सुभाष चंद्र बोस इंट्रोवर्ट हो गए। इंट्रोवर्ट समझते हैं क्या होता है? इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी फीलिंग किसी से एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने में ही ज्यादातर रहता है, अपनी चीजें बताएगा नहीं, उस तरह का बिहेवियर हो गया। क्योंकि देखिए आप जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस आप माहौल में बने पले बड़े हैं आप वैसे ही होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस 14 लोग थे, कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब अपने में बिजी। उनके पिताजी को भी इतना टाइम नहीं मिलता था, उनके पिताजी अच्छे खासे स्ट्रिक्ट थे और ब्रिटिश के तो काफी अच्छे। बाद में हालांकि उनके पिताजी का थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मूड बदल गया, लेकिन उस समय तो अच्छे खासे लॉयल थे वो ब्रिटिश को, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से उन्होंने एक थोड़ा सा इंट्रो एक शाय नेचर हो गया। बहुत ज्यादा शर्मीले थे सुभाष चंद्र बोस अपने बचपन में, बात ही नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। और ये इनको बड़ा बुरा लगता था कि इतनी बड़ी फैमिली में भैया मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं। छोड़ा नहीं लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था सुभाष चंद्र बोस को। और बहुत हार्ड वर्किंग थे सुभाष चंद्र बोस, यहां बताते हैं, हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कहते हैं कि वो उनके पास वो जीनियस नहीं थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में वैसे तो जीनियस कोई आप मेहनत से जीनियस बनते हैं, कोई जन्मजात जीनियस नहीं होता है। 0.001% लोग ऐसे होते होंगे जिनको जो गॉड गिफ्ट है, लेकिन अपनी मेहनत से ही जीनियस बना जाता है। तो सुभाष जिस इंसान ने उस समय ICS इंडियन सिविल सर्विस जो था वो 6-7 महीने में तैयारी करके निकाल लिया हो, अगर वो बोले कि नहीं मैं जीनियस नहीं हूँ, ये तो खैर उनका बड़प्पन है कि अपनी बुक में वो बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा कोई जीनियस नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़े जीनियस थे। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया इतनी छोटी सी उम्र में, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहते हैं कि वो जीनियस नहीं थे लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत ज्यादा डिटर्मिंड थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कूलिंग 1902 में उनके बर्थडे पे उनको ये मालूम चलता है कि सुभाष तुम कल से स्कूल जाओगे। सुभाष चंद्र बोस बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह। अक्सर क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है ना तो सबसे ज्यादा बच्चे रोते हैं स्कूल जाते वक्त, सबसे ज्यादा रोते हैं अपने, क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि आप स्पेशली मदर, आप मदर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, वही आपके सबसे पहला स्कूल तो हमारी माँ ही होती है, हमारी माँ ही सारी चीजें हमको सिखाती है, पहला स्कूल तो वही होती है। तो अब जब उनसे बिछड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत रोएंगे। सुभाष चंद्र बोस बहुत खुश थे, उन्होंने कहा अरे वाह मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि वो देखते थे उनके भाई बंधु स्कूल जा रहे हैं, उनके अगल बगल के लोग स्कूल जा रहे हैं, तो एक कहते थे अरे वाह अब मुझे स्कूल जाने का मौका मिलेगा। बड़ी मजा आई थी, सुभाष चंद्र बोस इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि उस रात भर सोते ही नहीं है इस खुशी में, छोटे से ही थे 5 साल के। तो जब उनका रिक्शा आता है स्कूल, जब आता है रिक्शा तो वो क्या होता है कि सारे बच्चे जा रहे होते हैं रिक्शे की तरफ, सुभाष चंद्र बोस भी भागते हैं रिक्शे की तरफ। जो रिक्शे पे चढ़ने की जो लैडर होती है, जो सीढ़ी होती है, उस पर उनका पैर स्लिप होता है, मुंह के बल गिरते हैं धड़ाम से नीचे। जब वो गिरते हैं मुंह के बल तो काफी चोटें आती हैं और वो उस दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत रोते हैं, काफी रोते हैं। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, एक मिशनरी स्कूल होता है वहां पे। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो वो अपनी बुक में ये बताते हैं कि पहली बात, उस समय आप जानते हैं कि ब्रिटिश जानते क्या है सभी को, मैं बार बार पता नहीं क्यों बोलता हूँ, आप जानते हैं ब्रिटिश का एरा था, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं थी, हम तो बिल्कुल भेड़ बकरी। तो जो एजुकेशन थी ना, अब जिसका रूल होगा उसी की एजुकेशन होगी, वो इंग्लिश थी, बाइबल्स पढ़ाई जाती थी और क्या कहते हैं संस्कृत हिंदी इंडियन हिस्ट्री सब पढ़ाया नहीं जाता था, इंग्लिश हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाती थी और पूरे इंग्लिश कस्टम्स में ढाला जाता था। अब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे देखिए, यहाँ से उनका एटीट्यूड डेवलप, इतनी छोटी सी उम्र में उनका एटीट्यूड डेवलप होने लगता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। वो बोलते थे कि मुझे बड़ा खराब लगता था, हिंदी नहीं यहाँ पे पढ़ाई जाती है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कृत एक सबसे ओल्डेस्ट भाषा और संस्कृति, नाम ही संस्कृति से, संस्कृत से ही आया है संस्कृति, वो नहीं हमारी पढ़ाई जाती है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, उठा उठा के बस अपनी हिस्ट्री बताते हैं,
अपने कस्टम्स बताते हैं, अपने ट्रेडिशंस बताते हैं और बोलते हैं ऐसे ही रहो। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम थोड़ी ना इनकी तरह हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या हुआ कि आई एम सॉरी, स्कूल में तो काफी दिक्कतें, देखिए ये कंप्लेंस बहुत करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, ऐसा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये कहना गलत होगा कि स्कूल में खुश नहीं थे। स्कूल में खुश बहुत थे। देखिए हमारी स्कूलिंग ना, हमारी स्कूलिंग, मैंने कुछ टाइम इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ाया था, यहाँ पे आए थे तो इंग्लैंड के कुछ बच्चे थे। तो हमारी स्कूलिंग और उनकी स्कूलिंग में बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि वहाँ पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ब्रिटेन में बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि यहाँ पे भर भर के बैग बोरा में ऐसे लेके जाते हैं कि एक छोटा बच्चा भी इतना ज़्यादा वेट अपने कंधे पे उठा के जाता है कि देख के ही लगता है कि अरे क्या है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ को एक टैब मिलता है, वहाँ पे आप टैबलेट से पूरी पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा टैबलेट कोर्स होता है। यहाँ पे कोचिंग्स है, वहाँ कोचिंग्स नहीं है, वहाँ बहुत कम आपको कोचिंग्स मिलेंगे, प्राइवेट ट्यूटर्स ही नहीं। यहाँ पे हम लोग की सहूलियत के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ट्यूशन गलत है या कोचिंग्स गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान को खुद से पढ़ना चाहिए। खुद से जब आप पढ़ेंगे, आप हेल्प लीजिए, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे तब चीज़ें, तब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर इस पे तो ये तो बहस का मुद्दा है एक, तो यही सारी चीज़ें थी। तो सुभाष चंद्र बोस उस समय तो थोड़ा सा उनको खराब लगता है कि यार कम से कम कुछ तो भारत के बारे में बताएं, हम इंग्लिश के बारे में क्यों जान रहे हैं। लेकिन खैर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उनके गुस्सा लगने ना लगने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। उसके बाद वो रेनशॉ कॉलेज जाते हैं। रेनशॉ कॉलेज उस समय का सबसे बड़ा कॉलेज था, आज भी है उड़ीसा में। तो रेनशॉ कॉलेज बहुत बड़ा था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि रेनशॉ कॉलेज मतलब जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, 10th 12th के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कहानी शुरू होती है। देखिए सुभाष चंद्र बोस वैसे भी इतना कोई फैमिली में इंटरेस्ट लेते नहीं है, शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते वो अपनी फैमिली में, ठीक है। वहां जब वो जाते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल होता है जबरदस्त तरीके का। जैसे ही जाते हैं सुभाष चंद्र बोस का एटीट्यूड शुरू से ही थोड़ा सा रिबेलियस होता ही है, ठीक है। अब वहां जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो भी इसी टाइप का ही होता है, रिबेलियस नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही कम उम्र में ही वो अपने लाइफ को ना क्वेश्चन करने लग गए थे कि लाइफ है क्या। एक बार वो स्वामी विवेकानंद की बुक, एक उनके वर्क्स का आर्टिकल रखा रहता है, वो पढ़ते हैं। इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं वो स्वामी विवेकानंद से, इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे इन्हीं के ही पाथ पे चलना है। उसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस को पढ़ते हैं, बहुत ही छोटी सी उम्र की बात है, 10 या 12 साल की बात होगी। तो ये सारी चीजें उन पर बहुत बुरी तरह इंपैक्ट करने लगती हैं, वो रिबेलियस एटीट्यूड उनमें डेवलप होने लगता है, वो योगी की लाइफ की तरफ जाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये लाइफ सब बेकार है, हटाओ, ये कुछ है ही नहीं, मुझे योगी बनना है, मुझे सिर्फ गरीबों की मदद करनी है, ये क्या फैमिली एमली है। अब अगर आप ऐसा एटीट्यूड ला रहे हैं तो आपको 110% ये तो पता ही होगा कि आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। योगी की लाइफ हो सकता है बहुत अच्छी हो, अच्छी होती है, आप हर चीज़ त्याग देते हैं, सारी मोह माया त्याग देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बड़ा दुख होता है। तो ये सारे जब पेरेंट्स देखते हैं तो वो ऐसे एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जानकी नाथ बोस और उनकी माता की, यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में क्या डेवलप हुए जा रहा है। खैर इसकी हम बात आगे बहुत अच्छे से करेंगे। उनके जो फर्स्ट आइडल थे, उनके टीचर थे बेनी माधव दास, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे सुभाष चंद्र बोस। तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि उनको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे स्कूल में, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। पहली बार सुभाष चंद्र बोस के आंखों में आंसू आए बहुत बुरी तरह। वो उनके इतने बड़े आइडल थे बेनी माधव दास जो थे, और बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो बहुत मानते थे और वो चाहते थे कि ये कभी जाए ना स्कूल छोड़ के। तो जब वो क्लास में आते हैं अपनी लास्ट क्लास लेने और बोलते हैं कि भगवान करे आप सब खुश रहें, सुभाष चंद्र बोस एकदम रोने की ही कगार पे होते हैं, लेकिन किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सीढ़ी से उतर रहे होते हैं बेनी माधव दास, और सीढ़ी पे एक टाइम रुकते हैं और देखते हैं कि किस तरह, मतलब अपनी पूरी मेमोरीज को याद करते हैं। बगल में ही सुभाष चंद्र बोस होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उनके पास आते हैं बेनी माधव दास, और सुभाष चंद्र बोस बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हालांकि गुड विशेस होते हैं, गुड विशेस एक्सचेंज होती हैं,
लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है सुभाष चंद्र बोस के लिए। उनके जो पहले आइडल थे वो वहां से जा रहे हैं, बाद में और भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए, ओके, फाइनली क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने पेरेंट्स की बात मानना छोड़ देते हैं। देखिए, जब वो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सी चीजें, उनको लाइफ के बारे में पता चलता है। वो मेडिटेट करने लगते हैं। जो उनका ग्रुप होता है छोटा सा, वो भी उसी तरह का ही होता है। जो उनका कट में जो ग्रुप होता है रेंशा कॉलेज का, वो उन्हीं की ही तरह का होता ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी तरह का होता है। वो भी योगी की बातें करते हैं, परमहंस की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। तो ये सब उनके दिमाग में इतनी बुरी तरह रूट हो जाता है कि वो अपने माँ बाप की बात करना बंद कर, मतलब बात ही नहीं मानते। उनके माँ बाप कहते हैं बेटा पूरब जाओ, वो जाते हैं पश्चिम, बेटा ये करो, वो करते हैं दूसरी चीज। और ये एक इरिटेशन ले आता है उनके माँ बाप के, कहते हैं कि हमारा बेटा 12 साल, 10 या 12 साल की उम्र होगी और ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस दूसरे शहर जाने लगते हैं अपने ग्रुप्स के साथ, हरिद्वार, केदारनाथ, यहां ट्रैवल करने लगते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सबसे बड़ा वो उनका उनका कहते हैं कि मेरा सोल एम यही है कि मुझे बस गरीबों की मदद करनी, क्योंकि वो देख रहे होते हैं। हालांकि अभी तक उनको रियल इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो असली में पॉवर्टी है भारत में उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन उनकी फैमिली क्या थी कि जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश को लॉयल थी। अब जब आप, ठीक है, अगर आप जमीन से जुड़े नहीं हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब वो जमीन से जुड़े तो थे नहीं, क्या था कि वो अमीर थे, अमीर मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ अच्छे खासे रिच वेल्दी फैमिली थी। तो उनको लग रहा था कि देखो यार हमारा काम चल रहा है, जो उनके पिताजी थे, तो क्या ठीक है ना, लोगों को हम अपलिफ्ट कर देंगे। लेकिन पहले खुद को देखें, क्या इतना ज्यादा लोगों के लिए करने की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अलग नेचर के, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यार ये सब क्या है, इंसानियों के प्रति तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। मैं एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ। वो अपने प्रेसिडेंसी कॉलेज में तो वो अपने घर से बाहर जाते थे, मतलब जब भी घर से बाहर, अच्छा खासा घर था, घर से बाहर जाते थे तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत सामने उनको दिखती थी, बहुत ही गरीब थी। वो देखते थे कि उनके कपड़े फटे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। सुभाष चंद्र बोस अपने घर से, सोच सकते हैं कि इतनी वेल्दी फैमिली, डेली खा लेके आते थे, उनकी मदद करते थे। और हमेशा उनके मन में द्वंद्व चलता रहता था कि यार एक तरफ मैं हूँ जो दुनिया की, जिसको सारे सुख हैं, ठीक है, हर एक चीज है, और एक तरफ ये है जिसके पास कुछ नहीं है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अरे इनके बारे में कौन सोचेगा, क्या ये इंसान नहीं है। मैं यहाँ पे घर पे बैठ के खाना खा रहा हूं, बल्कि कितने गरीब मर रहे होंगे इस समय। ये मेरे लिए, हमारे लिए शर्म की बात है। हम सब इंसान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो ये सुभाष चंद्र बोस हमेशा अपने आप से, और ये जाहिर सी बात है भैया, हम लोग अपने घर में रहते हैं, सबकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम खाने का भी नसीब नहीं है। और बहुत से गरीब स्पेशली, कि आप देखेंगे कि जैसा मैंने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज पूरा वेस्ट हो रहा है। आप देखेंगे कितने गरीब प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, कितने गरीब भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, कपड़े तक ओढ़ने के लिए नहीं है। बहुत ही दयनीय कंडीशन है, और उस समय तो और भयानक थी। तो इसीलिए उनका एटीट्यूड डेवलप इस तरह का हो जाता है कि वो रिबेलियस एटीट्यूड हो जाता है, और वो समझते हैं कि नहीं, मुझे सब गरीबों की ही मदद करनी है और मुझे किसी से लेना ही देना नहीं है। तो ये डर एक पैदा कर देता है। अब क्या होता है कि वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानने लगते हैं, ठीक है। वो वैदिक साइंस को पढ़ते हैं, वो अपने मन में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाते हैं। जिस उम्र में लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, लोग खेल खेलते हैं, उस उम्र में वो, मतलब फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र में वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे थे, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रहे थे, अपनी जिंदगी को समझ रहे थे, है ना। और सुभाष चंद्र बोस बहुत डरपोक भी होते हैं, सांपों से डरते हैं और अंधेरे से डरते हैं, सपने उनको बहुत अजीब अजीब आते हैं। तो वो बताते हैं कि इन सब चीजों को कंकर करने में सबसे बड़ा हाथ स्वामी विवेकानंद का ही था। उनकी टीचिंग से उनको पता लगा कि किस तरह से अपने डर पे काबू पाया जाए, और जब आप डर पे काबू पा लेते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या होता है कि वो साधु से मिलते हैं, एक साधु उनके घर में आता है, तो वो बात करते हैं उनसे, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं भी बताता हूं, सारी चीजें उनसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए, लाइफ ऑफ योगी कैसी होनी चाहिए, ये वो। तो उनको साधु बताते हैं कि किस तरह से भगवान को आप पाएंगे और अपनी लाइफ को समझेंगे, सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत करना शुरू कर दो।
डेली उठो पैर छुओ अपने माता पिता के। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। वैसे तो ये सही है सबके सबसे पहले, क्योंकि माता ही पिता हमारे भगवान है, भगवान साक्षात रूप में हमारे सामने है। सुभाष चंद्र बोस सुबह उठ के अपने माता पिता के, डेली सुबह उठते अपने माता पिता के पैर छूते हैं। अब उनके पेरेंट्स सोचते हैं यार जो लड़का इतना रिबेलियस, जिस जो हम जो बोलते थे नहीं करो वो वही करता था, अचानक से इसको क्या हो गया है, अचानक से ये क्यों इतना ज्यादा हमारे हमारी इज्जत कर रहा है। देखिए सुभाष चंद्र बोस अपने पेरेंट्स की बातों को ही बहुत ज्यादा मानते थे। इन सारी चीजों को आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो अपने पेरेंट्स की डिसरेस्पेक्ट करते थे, नहीं, अपने सबसे ऊपर अपने पेरेंट्स को मानते थे। और वो बोलते थे कि अगर पेरेंट्स पेरेंट्स उनके लिए सबसे ऊपर थे, लेकिन उनका थोड़ा एटीट्यूड अलग हो गया था, वो योगिक लाइफ की तरफ ज्यादा जाने लगे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स को वो डिसरेस्पेक्ट करते थे, नहीं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा पेरेंट्स ही उनके जीवन में थे ही उस समय, कोई दोस्त तो इतना ज्यादा था नहीं, था लेकिन पेरेंट्स को वो बहुत अपने मानते थे। बोलते थे नहीं, मेरे माता पिता सबसे ऊपर। लेकिन रिबेलियस, पेरेंट्स को भले ही मानते थे लेकिन एटीट्यूड थोड़ा रिबेलियस हो गया था उनका। तो डेली वो सुबह अपने पैर छूते थे अपने माता पिता के, और तब आगे की चीजें करते थे। चलिए डिस्क्रिमिनेशन, देखिए भारत में, ये मैंने स्लाइड किस लिए बताई क्योंकि इसका रोल है आगे, बहुत भयंकर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था। जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसका एक जिस्ट ले लीजिए। जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तब उनको दिखता है कि असली में दिक्कतें कितनी बड़ी हैं, भयानक डिस्क्रिमिनेशन, पीटा जाता था लोगों को। ठीक है, अगर वो ट्रैम्स में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उनके सार्केस्टिक रिमार्क्स उन पे इंडियंस पे मारे जाते थे ब्रिटिशर के द्वारा। हमारा देश और हम ही को ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे हम पराए हैं, बहुत ही बुरी तरह से डंडा होता है, कभी कोई भी किसी को मार देता था, कोई कुछ नहीं, कोई भी किसी को उल्टा सीधा कह सकता था, कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं आ सकते, ऐसे बोर्ड्स लगे रहते थे हम इतनी ज्यादा। और देखिए ये तो उनके लिए था जो अच्छे ठीक ठाक क्लास से हैं, आप सोचिए गरीबों के लिए कितनी बुरी हालत होगी, गरीबों की कितनी बुरी हालत होगी। उनके पास तो पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था, गरीब जो गरीब थे उनके पास तो पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था, खाने के लिए खाना तक नहीं होता था, कितने फैमाइंस आते थे, सूखे पे सूखा पड़ता था उस समय, और किसी को कोई फर्क नहीं होती थी। यहां तक कि भारत के जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, वो भी ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स ने तो उनको रिश्वत दी हुई थी, और भैया उस समय भी ऐसा ही था कि लूट खसोट खसोट में शामिल हो जाओ, ये बस लूटो, भारत को लूटो, यही चीजें थी, और ये बड़ा खराब लगता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस अच्छे खासे से कायदे से जवाब देते थे ब्रिटिशर को, अगर कोई वो देखते थे सामने गलत हो रहा है उसी के भाषा में जवाब देते थे कि ऐसा है, अपनी अकड़ अपने पास रखो। ये थे सुभाष चंद्र बोस, आगे और डेवलप हो गया। तभी तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस था, इसीलिए तो वो अनसंग हीरो हैं। क्योंकि अनसंग हीरो क्यों है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कभी भी गांधी जी की फिलॉसफी मानते ही, मतलब उनके बिल्कुल गांधी जी के अगेंस्ट थे, लेकिन फिलॉसफी के अगेंस्ट थे। गांधी जी बोलते थे कि भैया मुझे आजादी चाहिए, और आजादी चाहिए नॉन वायलेंट से चाहिए, हमको अहिंसा नहीं करनी है। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ये फर्क नहीं पड़ता कि हमको हमको आजादी चाहिए, चाहे हिंसा करो चाहे जो करो, कुछ नहीं, हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, अब वो जैसे भी मिले। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, दुश्मन का दुश्मन क्या, जाके जर्मनी से हाथ मिलाया था, जर्मनी उस समय ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर का भयंकर एनिमी था, कमर तोड़ दी थी, एडोल्फ हिटलर से जाके मिले थे। वो बोलते थे कि आजादी के लिए जो करना पड़ेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, ये उनका मानना था। आप सोचिए बहुत महान इंसान थे, बहुत, अभी हम देखेंगे आगे वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें थी। और देखिए अगेन इंपैक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड परमहंस जबरदस्त तरीके से, अब देखिए स्वामी विवेकानंद जबरदस्त तरीके से उनकी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो भगवान है वो गरीबों के फॉर्म में आता है, और हमको गरीबों को ही सर्व करना चाहिए। जो इंसान गरीबों को सर्व कर रहा है वो भगवान को पा लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप नेकी करते हैं अक्सर, हो सकता है चीजों, स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, सबके लिए होता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि जो गरीब हैं, ठीक है,
वो थोड़ा सा उनका जो नेचर है वो उनका जो लाइफ वो डिसरिस्पेक्टफुल है आपके इतना करने के बावजूद भी, और उनका लाइफस्टाइल आप देखते हैं, काफ़ी गरीबों को आप पैसा देते हो, शराब में उड़ाते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि अगर मेरे दरवाजे कोई आ रहा है, और स्वामी विवेकानंद का भी यही मानना था, रामकृष्ण परमहंस का भी यही मानना था कि अगर मेरे दरवाजे कोई आ रहा है तो मैं उसको उसको दक्षिणा दूंगा या उसके लिए काम करूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे वो जो भी हो, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और यही ये टीचिंग्स थी स्वामी विवेकानंद की। बहुत कम उम्र में भगवान को खोजने लग गए थे सुभाष चंद्र बोस। वो कहते थे भगवान कहाँ है क्या भगवान, मेरी लाइफ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, क्या। 12 13 14 15 साल की उम्र में वो, और ये पूरा आखिरी तक चला, इन्हीं की टीचिंग्स, स्वामी विवेकानंद परमहंस की टीचिंग ना। आप ये मत सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस वायलेंस वायलेंट इंसान थे, नहीं, वो स्वामी विवेकानंद और परमहंस की टीचिंग पे चलते थे। इसका मतलब ये है कि जो इनकी टीचिंग्स पे चलता था उसमें वायलेंस पनप ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकी टीचिंग्स ही बिल्कुल पीसफुल रास्ते पे है। वो करना जरूरी था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो सही, जो भी चीज सही लगे कंडीशन पे, एट अ टाइम, कोई चीज अगर सही है तो उसको करनी चाहिए, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने यही बोला था। उन्होंने कहा कि अगर बात मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो दे दो, एक अच्छे से रख के दो ब्रिटिशर को, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हो चुका था। आप देखिए 2 साल, 200 साल हो गए, कितने साल, 1600 से ब्रिटिशर आए और 200 250 साल राज करके चले गए, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना। तो ये सारी, अच्छा इससे मुझे क्वेश्चन याद आ गया, चलिए। अच्छा सबसे पहले बताइए कि कौन से ईयर में ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में भारत आई थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और महीनों तक दूर रहते थे, कभी कभी तो अपने फैमिली को भी नहीं बताते थे, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था इनका कि वो घर घर जाते थे और भीख मांगते थे। आपको पता है गरीबों के लिए वो बोलते थे कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, पैसा तो उनके पास था नहीं, तो घर घर जाके भीख मांगते थे, लोगों से बोलते थे कि आप मुझे दक्षिणा दीजिए, आप मुझे दान दीजिए, चावल दीजिए, कुछ भी दीजिए, जो आपका मन हो, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। भगवान को खोजते थे, कहाँ है भगवान, लेकिन भगवान के रूप में सुभाष चंद्र बोस खुद ही थे। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी थी। अगर सुभाष चंद्र बोस जहाँ से निकल जाते थे ना, एक बार एक लेडी इंटरव्यू में बताती हैं कि अभी इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने जब वो अब इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, तो उन्होंने मेरी तरफ, मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में थी, तो उन्होंने सिर्फ एक नज़र देखी मेरी तरफ, और जब उन्होंने वो नज़र देखी मेरी ज़िंदगी बदल गई, है ना, एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई, कुछ तो था उनमें, है ना। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें थी, इम्पैक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद देखा, चाइल्डहुड स्कूलिंग देखी हमने। तो अब मैं यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगा, पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीज़ें थी चाइल्डहुड पे, ये सब उन्होंने खुद बताया है, सुभाष चंद्र बोस ने सारी चीज़ें खुद बताई हैं, चाइल्डहुड उनका कैसा था और स्कूलिंग उनकी कैसी थी, ठीक है। इसको मैंने आपको अभी बताया कि स्कूल में ग्रुप उनका हो गया था, और काफ़ी रिलीजियस टॉक्स होती थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बहुत था स्कूलों में। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, आगे हम थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री तो बहुत आपको पता ही लगेगी इसमें। हम देखेंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस निकालते हैं और छोड़ देते हैं उसे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक इतना महान इंसान, कॉलेज ड्रॉप आउट, सुभाष चंद्र बोस टॉपर थे, उसके बावजूद उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल फेंका गया था, आपको पता है, हटा दिया गया था, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, और उसके बाद दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में टॉप किया था उन्होंने। ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। वॉरियर की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।